Hello everyone, I'm on this side, your yoga and fitness trainer. Hope you all are doing great. आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट. इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपके लिए कितना सॉल्ट रिक्वायर्ड होता है डेली एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए. अगर आप उससे ज़्यादा या कम ले रहे हो तो उसकी वजह से क्या इश्यूज हो सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग कि आपका क्या रीज़न हो सकता है कि आप ऐसे क्या आप नॉर्मल सी गलती कर सकते हो जिसकी वजह से, जो कि हम लोगों को बहुत नॉर्मल लगता है क्योंकि हमारे सामने चीज़ें परोसी जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो हमारे लिए हार्मफुल है या फिर नहीं है और उसका क्या बैड इफेक्ट हमारे ऊपर हो सकता है. तो हम FSSAI फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि आपको डेली किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है. उसके ऊपर जो सॉल्ट की सॉल्ट का जो नॉर्मल कंसंट्रेशन जितना आपको डेली लेना चाहिए वो है 5 ग्राम पर पर्सन. हर इंसान को डेली 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट नहीं टेक करना है और उसको आपको मैनेज करना है कि अगर आपकी सॉल्ट की अगर आपका सॉल्ट इनटेक ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकते हैं. अगर आपके खाने में सॉल्ट की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है तो उसकी वजह से लेजीनेस हो सकती है. सेकेंड थिंग इज यू मे हैव ब्रेन इशूज, क्योंकि अगर आपकी ब्रेन में मैसेज अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो आपको रिफ्लेक्सेस के इश्यूज भी हो सकते हैं. इट मे बी अ रीज़न, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज कंफर्मेटरी रीज़न, बट एक रीज़न हो सकता है अगर आपका सॉल्ट इनटेक रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो. लेकिन अगर आप रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा सॉल्ट इनटेक कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इशू है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. एंड सेकेंड इज हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर. बहुत ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ पीपल इन सब इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं और इसका रीज़न हो सकता है कि आपका साल्ट, आप रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा सॉल्ट इनटेक कर रहे हो, वो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये लाइफस्टाइल डिजीज हो रखी है. और ये इश्यूज़ सिर्फ ओल्ड एज में ही लोगों को नहीं आ रहे हैं, आज की डेट में बच्चों को भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं. मतलब पेरेंट्स खुद इस चीज़ को लेके कंसर्न है कि ऐसा क्या रीज़न है कि हमारे बच्चों में भी इशूज़ आ रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ये बोल दिया जाता है कि जेनेटिक है, बट हो सकता है कि हम लोग ही कुछ ऐसी गलतियाँ कुछ ऐसी हैबिट्स उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनकी वजह से वो इशूज़ उनको लाइक एक नॉर्मल उनकी रूटीन में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से वो इशूज़ उनको होने शुरू हो गए. सो एक चीज़ लाइक आई गो टू नो अबाउट दिस टॉपिक कि न्यूज़ में एक डिबेट चल रही थी जिसमें वो लोग बता रहे थे कि सॉल्ट कंसंट्रेशन आज की डेट में कितना ज़्यादा सॉल्ट इनटेक इंक्रीज हो चुका है एंड उसकी वजह से कौन कौन से इश्यूज है जो लोगों को आने शुरू हो गए हैं. सो आई थॉट आई नीड टू कवर दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज़ रिगार्डिंग टू हेल्थ, दिस इज़ रिगार्डिंग टू फिटनेस. हो सकता है हम सब ये गलतियाँ कर रहे हैं और फूड की टर्म में अगर और जो चीज़ मैं बोलती हूँ कि जब भी आपको हेल्दी रहना है आपको हमेशा ही अपनी फूड इनटेक पे अपनी आप क्या खा रहे हो उस चीज़ पे आपको स्पेशल ध्यान देना है. 80% रोल आपका फूड है और बाकी 20% रोल आपकी आपकी एक्सरसाइज आपकी नॉर्मल रूटीन जो होती है उसका इफेक्ट आता है. तो अगर आप 80% वाली चीज़ में गड़बड़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 20% उसको रिकवर नहीं कर पाएगा. उस आर्टिकल में ये बताया गया था कि वी कैन से जो आर्टिफिशियल नमकीन होती है आलू भुजिया होती है उनके जो सोडियम का क्वांटिटी होती है उनमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो आपके डेली रिक्वायर्ड अमाउंट से बहुत ज़्यादा होती है. 1-5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट उसमें होता है और एक सीरियस कंसर्न है कि अगर आप 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट एक सर्विंग में ही कंज्यूम कर रहे हो तो अगर आप डेली रूटीन में जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो एक सिंपल सा कंसर्न हो सकता है कि हम लोग खुद ही ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ अवेयरनेस अपनी फैमिली को अपने बच्चों को उस अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ से उनके लिए लाइफस्टाइल डिजीजेस के रास्ते खुल रहे हैं. अगर हम पैकेज चीज़ों की बात कर ही रहे हैं तो उसको हम लोग फिटनेस से रिलेट कर लेते हैं कि वाई वी आर सेइंग कि यू नीड टू ईट नेचुरल फूड then there is packaged food.
पैकेज्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए या फिर जितना कम हो सके उतना कम आपको अपने बच्चों की लाइफ में या अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहली चीज़ कि उसमें एम्प्टी कैलोरीज होती है वो पैकेज्ड फूड, उसमें आपके पास कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। लाइक अगर कैलोरीज है तो कैलोरीज को डिपॉजिट होकर फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी वजह से ओबेसिटी का इशू आएगा और उसी ओबेसिटी की वजह से आगे जाके लाइफस्टाइल डिजीजेस होने वाली है, जिसमें सिंपल सी लाइफस्टाइल हैबिट है जो हम लोग गलती से इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी हैबिट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब भी अपनी फैमिली की बात आती है, जब भी अपने इन्वायरमेंट की बात आती है, ये हमारे ऊपर है कि हम एक छोटा सा चेंज करके खुद को अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टोटली हमारे ऊपर है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब भी आप हेल्थ के ऊपर सीरियस हो रहे हो तो अपनी ही नहीं अपनी फैमिली की भी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये आर्टिकल मैंने इसीलिए कवर किया कि हो सकता है आप में से कुछ लोग का ये इशू हो कि हमारे बच्चे लाइक इतनी छोटी एज में ये इशू हो रहा है वो इशू हो रहा है, तो हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग इट्स 100% श्योर, लेकिन मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ कि हो सकता है ये एक रीज़न हो। तो अगली बार जब भी आप अपने बच्चों को कुछ भी पैकेज दे रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्वांटिटी मैटर करती है, एंड सेकेंडली आपको अपने हेल्थ लाइक जब भी आप दे रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि अगर आप पैकेज वाली चीज़ दे रहे हो उससे तो उसको रिप्लेस कर दो हेल्दी फूड की तरफ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई यूजर ID इज amandeep.ragpur.75 फॉर डेली अपडेट्स। You can join my live classes. If you want to join, just let me know in the comment section that you want to join my classes. That's all for today's video. Catch you soon in the next video. Till then, hit row, bye bye.